नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए, वहीं दूसरी तरफ उनके ही गठबंधन के कई दल जो हैं वो कभी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आते हैं। अगर हम बात हम पार्टी की करें तो हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी जो है वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से, महागठबंधन की सरकार में वो पिछले 1.5 साल से ये मांगे कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में जितने भी दल के नेता लोग हैं वो अपनी बातों को रखेंगे, अपनी पक्षों को रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जहां जीतन राम मांझी लगातार 1.5 साल से मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस कमेटी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गठबंधन की सरकार है उस पर मंजूरी दे दी है। लगातार ये बातें कयास लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी जो है वो इस बात की संकेत है कि वो नहीं चाहते हैं कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम पार्टी है वो उनका साथ छोड़कर विपक्ष यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाए। क्योंकि मांझी ने पिछले दिनों साफ कहा था कि हमने लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है, हम कुछ कुछ अपनी बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर वो सारी बातें पूरी नहीं होगी तो हम अपने वादे से पीछे हट सकते हैं, हमने जो अपना वादा किया है वो वादा को हम तोड़ भी सकते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने वादा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि वो हर हाल में उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको सीएम बनाए हैं, उन्हें एक बड़े पद तक पहुंचाए हैं, जिसके बाद वो हमेशा से बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर एक फैसले में उनका सहयोग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उनकी कुछ कुछ मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो अपने वादे को तोड़कर उस वादों से पीछे भी हट सकते हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार जो है वो मांझी से डर चुकी है कि अगर वो उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, उनके वादे को पूरा नहीं किया तो वो शायद गठबंधन को छोड़कर जा सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले राजगीर में आयोजित अपनी पार्टी के कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की थी कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अपनी कसम तोड़ भी सकते हैं। मांझी के इस कदम का असर ये हुआ है कि लंबे समय से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किए जाने पर सभी दलों ने सहमति बन गई है। सोमवार को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में हुई महागठबंधन के घटक दलों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में यह भी सहमति बनी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, वहीं आपको बताते चलें कि बैठक में ये भी सहमति बनी है कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो 3 स्तर पे होगी, यानी राज्य के लिए अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जिला के लिए अलग और प्रखंड के लिए अलग कमेटी का गठन किया जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी जब से महागठबंधन सरकार के अंग बने हैं तभी से वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी कई बार ये कह चुके हैं कि महागठबंधन जरूर बन गया है। मांझी बार बार ये कहते रहे कि सरकार में शामिल घटक दलों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं है, वजह है कि घटक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी बयानबाजी करते हैं। तो जहां एक तरफ जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन की सरकार तो बन गई है, उस महागठबंधन में कई दल शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कई दलों के अंदर जो मजबूती है, जो गठबंधन नहीं है, इसी की वजह से वो अलग अलग दल के जो लोग हैं वो अपने ही सरकार के ऊपर बयानबाजी करते हैं। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनानी चाहिए, जिसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, ये मंजूरी सभी दलों के तरफ से मिली है, जिसके बाद अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और इसे 3 भागों में बनाया जाएगा। पहला प्रखंड बनाया जाएगा, फिर जिला बनाया जाएगा, फिर राज्य बनाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।